कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग सब त्रस्त हो चुका है, अब उन्हें बदलाव चाहिए। इस टाइम यहाँ की जनता जो देख रही है वो एक विकास देख रही है, बहुत से मुद्दे हैं, चाहे उसमें पानी का हो, बिजली का हो, रेल का हो। इनसे पूछिए, 56 साल में कभी कोई कांग्रेस ने, जब से कांग्रेस राज आया है, जब से कांग्रेस ने कभी कोई गार्डन डेवलप किया? देखिए विकास जैसी चिड़िया टोंक में कभी नजर नहीं आई है, चाहे कांग्रेस राज हो चाहे बीजेपी राज हो, विकास की चिड़िया कभी टोंक में नजर नहीं आई आज तक। मेरे हिसाब से बीजेपी ने यहाँ बहुत काम किया है, और यहाँ जो कांग्रेस के ठेकेदार हैं, भ्रष्टाचारी, जिनकी जेब में विकास का पैसा जाता था जो नहीं पहुंचा है, वही लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। वो होती हैं जो कि नियम अनुसार बनाई जाती हैं। अब सड़कें ऐसी बनी हैं कि सीमेंटेड रोड है, उस पर मुख्यमंत्री आई तो रातों रात डामर बिछा दिया गया। इनसे पूछिए, 56 साल में कभी कोई कांग्रेस ने, जब से कांग्रेस राज आया है, जब से कांग्रेस ने कभी कोई गार्डन डेवलप किया, कोई विकास का काम किया? यहाँ 10 साल गार्डन पे बड़ा जोर है इनका। देखिए डेवलपमेंट के नाम पे आप सिर्फ एक पार्क बना करके ही नहीं कह सकते कि हमने टोंक शहर में बहुत विकास किया। यहाँ की सड़कें, आपने कहा कि हमने सड़कें बनाई जो कि पिछले 5 साल से काम लगातार चल रहा है, और आज भी उन सड़कों का काम चल रहा है। बात आती है सीवरेज की, तो सीवरेज की हालत ये है कि अभी तक 30% काम भी पूरा नहीं हो पाया है, और मुझे लगता भी नहीं कि आने वाले जो भी इनके 6 महीने हैं इसमें ये पूरा अपना काम कर पाए। ये सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, ये विकास में नहीं आता, ये सौंदर्यीकरण में आता है। वो सौंदर्यीकरण से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, रोजगार का बड़ा किसानों का कर्जा माफ नहीं होता। इस तरह के बेवकूफाना बयान दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के, पकौड़ा तलना रोजगार है, आप गैस से चाय, नाली की गैस से चाय बना सकते हैं क्या? बेवकूफा, एक प्रधानमंत्री को ऐसे शोभा देता है? जहाँ स्टेडियम की बात करी जाए और स्पोर्ट्स की बात करी जाए, कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जो हम स्पोर्ट्स फील्ड में आगे ले जा सके। इवन कि मुझे एक कोच भी नहीं मिला यहाँ तो मुझे बता सके कि तुम्हारे टूर्नामेंट कब होते हैं, कैसे होते हैं। तो सर हमें गार्डन डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। इंडिया में आज हर साल 30 लाख युवा ग्रेजुएट होकर निकल रही, मगर रोजगार है नील बटा नील, रोजगार की कहीं बात नहीं है। तो हम चाहते हैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट ज़्यादा हो। सर ये बताइए कि अब आपके यहाँ रोजगार का बड़ा मुद्दा है, क्या मुद्दा है आपके यहाँ चुनाव में रोजगार का मुद्दा, या हिंदू मुसलमान पे चुनाव होता रहेगा यहाँ? नहीं, रोजगार पे हिंदू मुसलमान पे नहीं है कोई चुनाव। हाँ। छत्तीस कौम को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है हमारी बीजेपी। लेकिन टोंक के बारे में कहा जाता है कि टोंक में हमेशा एक मतलब रिलीजन के हिसाब से वोटिंग होती है, ये तो सच्चाई है इस जगह की, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब जब से बीजेपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ उतारा है, इस बार उतारा है, वो 200 सीटों पर एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, लेकिन वो भी पीसीसी चीफ के सामने उतारा है, और तो ताकतवर है। आपने एक बड़ी बात आपने कह दी सर, एक मिनट, आपने बड़ी बात कह दी कि 200 सीटों में बीजेपी ने सिर्फ एक मुसलमान को, लेकिन एक भी ऐसा ताकतवर दिया जो पीसीसी चीफ को टक्कर दे रहा नहीं है, एक ही ऐसा ताकतवर दिया जो पीसीसी चीफ को टक्कर दे रहा। क्या वजह है जो यहाँ सर यहाँ के कैंडिडेट को ना लाकर एक मुस्लिम कैंडिडेट को कहा जाए, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है, यहाँ मुसलमान के अच्छे खासे वोट है, तो क्या ये वजह रही है इसीलिए लाया गया यूनुस खान? बिल्कुल सही, बिल्कुल वजह यही रही है कि मुसलमान यहाँ ज्यादा हैं। यहाँ पर सचिन पायलट को उतारा गया है और उनके सामने यूनुस खान को उतारा गया है, दोनों बाहरी हैं, क्या आपको लगता है आपकी जो शहर की परेशानी है उसको समझते हैं ये लोग? ऐसा है कि एक प्रांतीय नेता अपने पूरे प्रांत का दर्द समझता है। सचिन जी जो है वो प्रदेश स्तरीय नेता हैं और वो अपनी पूरी प्रजा की जिम्मेदारी लेते हुए, और उन्होंने एक पिछड़ा इलाका तलाश करके यहाँ अपनी जो है चुनावी रणभूमि तैयार करने के लिए आए। डर नहीं है, बड़े चेहरे के साथ बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा है। जो सचिन पायलट जी को हराने में शायद सक्षम होंगे, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नारे लगाते रहेंगे, लेकिन हमें और आपको वोट करना है तो अपनी पार्टी को चुनने से पहले एक बार उसके काम काज को जरूर देखिएगा, धर्म और जाति से ऊपर उठकर। बाकी क्विंट की इलेक्शन की स्पेशल कवरेज देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी पर।